और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी टॉप 5 फेवरेट ब्राउन टोन लिपस्टिक्स, जो बेसिकली डस्की टू डार्क स्किन टोन्स पे काफी प्रिटी लगती हैं और बहुत ही प्यारा कलर होकर आता है। और ये शेड्स आप फेयर स्किन टोन्स में भी हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी। बस ये है कि जो डस्की स्किन टोन्स की लड़कियां होती हैं उनपे, सिर्फ डस्की और डार्क स्किन टोन की लड़कियों पे थोड़ा सा लिमिटेड अमाउंट ऑफ लिपस्टिक्स ही सूट कर पाती है। सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट। बट ये ओवरऑल कोई भी शेड हो कोई भी लगा सकता है, इतने प्यारे शेड्स हैं और इसे दो तीन अफोर्डेबल हैं, एक दो एक्सपेंसिव है बट इतने भी एक्सपेंसिव नहीं है अगर आप सेल में खरीदे और वो वर्थ बाइंग है, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा। लेकिन अभी वीडियो में जाते हैं। ये मेरा नया चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस पे नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करना ना भूलें। So, the very first lipstick is of brand Blue Heaven, और Blue Heaven non-transferable lip color, और इसका जो shade है वो है Satin Oak 8, और ये मैंने Amazon से खरीदी थी, और इसका जो price है वो मुझे लगभग 106 मतलब 106 रुपए पड़ा था, और ये sale में मुझे पड़ गया था। वैसे इसकी price high है लेकिन मैंने sale में इसे 106 रुपए का खरीदा है, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही प्यारा कलर है, वेरी गुड डील, और आई थिंक यू शुड ग्रैब दिस वन। और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में, और ब्लू हेवन के सारे लिपस्टिक्स काफी अच्छे आते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आते हैं और ब्रांड भी काफी अच्छा है। माय नेक्स्ट लिपस्टिक इज फ्रॉम NY बे, और ये बहुत ही प्यारा कलर है। अगेन मैं जितने कलर दिखा रही हूँ सारे प्यारे हैं, और मैं सब में यही बोलती जाऊंगी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ये बहुत ही प्यारे कलर है, मैं और क्या इनके लिए एडजेक्टिव यूज करूँ। सो जो इसका शेड है वो है द हबल, और ये अगेन मुझे पड़ा है 117 रुपए का। इसका जो टोटल MRP है वो है 195, बट आपको सेल में काफी अच्छी डील मिल रही है, अफोर्डेबल रेंज में मुझे ये कलर मिल गया, और ये कलर बहुत ही डार्क टोन्स में है, ये मतलब नॉन ट्रांसफरेबल है, इसे तो मैं बड़ी मुश्किलों से मुझे हटाना पड़ता है, ये इजीली नहीं हटता है, और इतने लोअर प्राइस में इतना लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक इज वेरी गुड डील। दिस इज मेबेलिन न्यूयॉर्क कलर सेंसेशनल क्रीमी मैट लिपस्टिक, और ये अगेन बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है। इसको मैंने 239 रुपीज का खरीदा था, जो इसका मेन MRP है वो 299 का, बट इनमें काफी अच्छी सेल चलती रहती है। और जो मेरे पास शेड है वो है बर्गंडी ब्लश, और ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही प्रिटी शेड है, और ये बहुत प्यारा खिलकर आता है, और इस लिपस्टिक को मैं अक्सर अपने कॉलेज डेज पे मतलब कंटिन्यूअसली यूज करती थी डेली बेसिस पे। बस मैं इसको, ये काफी क्रीमी है तो ये ज्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करता, लेकिन ये डेली पर्पस के हिसाब से बहुत ही प्यारा शेड है। शेड इज दिस लैक्मे 925 वेटलेस मैट मूज लिप कलर, और ये है इन द शेड कोकोआ सॉफ्ट, और ये अगेन बहुत ही प्यारा और सटल न्यूट्रल लुक है, ये मुझे एक न्यू टोन क्रिएट करता है मेरे फेस पे, और ये मुझे बहुत सटल और बहुत क्लासी फील कराता है, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लिपस्टिक भी अप्लाई नहीं करनी लेकिन मुझे अपने लिप्स को भी प्रेपअप करके रखना है, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना है, तो मैं इस लिपस्टिक को यूज करती हूँ, मतलब इसे मैं डेली बेसिस पर यूज कर लेती हूँ ताकि मेरा बहुत सटल लुक आए, बहुत हैवी लुक नहीं आए कि मैं बहुत लिपस्टिक लगाए रखी हूँ। इसको भी मैंने नायका से खरीदा था, और इसको मैंने सेल में खरीदा था, और मुझे पड़ा था ये 438। अब आपको ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा होगा, बट इसकी जो रियल प्राइस है वो है 625, लेकिन ये मुझे सेल में पड़ा तो मैंने 439 का खरीदा, बट ये मतलब वर्थ इट है, आप इस पर इतना पैसा लगा सकते हैं और ये काफी टाइम तक चलेगा, मुझे लगभग 1-1.5 साल हो गया इसे कंटिन्यूअसली यूज करते हुए, लेकिन इस पर पैसा लगाना इज वर्थ इट, और आई थिंक आई विल रिकमेंड यू गाइस टू गेट दिस शेड, दिस इज वेरी प्रिटी शेड।
लास्ट शेड इज दिस नायका मैट टू लास्ट लिपस्टिक और ये शेड है 818 चाय और ये 5 ml का प्रोडक्ट है। इसकी जो मेन MRP है वो है 600 rupees। अगेन अगर आप सेल का वेट करें तो यू विल गेट दिस इन 479 का खरीदा था लेकिन ये 450-479 ऐसे ही मतलब 450 के अंदर रेंजेस में इस पे हमें सेल मिल जाती है और ये बहुत ही प्रिटी कलर है गाइज। और राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस, इसी को मैं वेयर कर रही हूँ बहुत लाइट अमाउंट में क्योंकि मुझे ज्यादा हैवी लिपस्टिक्स लगाना पसंद नहीं है तो मैं बहुत हल्की लेयर लगाती हूँ। बट ये ऑरेंजिश ब्राउन टोन में है और ये डस्की स्किन टोन डार्क स्किन टोन पे बहुत ही फेवर आता है और ये नॉन ट्रांसफरेबल है और बहुत लॉन्ग लास्ट करता है और आप कितना भी खाना पीना खा लें और ये शेड नहीं हटता, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हटता है। तो ये अगेन आप फिर से एक्सपेंसिव नहीं है, ये वर्थ बाइंग है। अगर आप एक बार पैसा लगा लेंगे तो यू विल बी लाइक सैटिस्फाइड और ये लॉन्ग काफी टाइम तक आपके साथ रहेगा और आप इससे सो दिस शेड इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट। वैसे वो 5 शेड मेरे सारे ही फेवरेट है, द फेवरेट, मतलब मैं कुछ भी लगाना इन्हीं में से एक ग्रैब अप करती हूँ। लेकिन ये कलर ऐसा है जब मैं पार्टी वेयर या फिर बाहर निकलती हूँ किसी फंक्शन के लिए या कहीं पार्टी के लिए या किसी से मिलने जाने के लिए तो मैं ये शेड लगाती हूँ क्योंकि ये बहुत ही सटल और अलग लुक ला के देता है। शेड्स जो मेरे फेवरेट हैं और ये कलर्स आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, ये मेरी बेस्ट फेवरेट लिपस्टिक्स है। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और तब तक के लिए राधे राधे।